आज एक बकरा और नहीं तो एक दो मुर्गी मार करके खाएंगे। अच्छा, मारने से पहले आराम से पेट भर के मारेंगे ना। भाभी को एडमिशन कर दिया है दोस्तों, लेकिन इस गांव में भी 100% से 20% घर बिल्डिंग है और 80% मिट्टी का। मैडम टी शीघ्र शीघ्र करेंगे, लोक मैंने बहुत कम्प्लेन कर सका भूक्रे अच्छा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे और बढ़िया ही होंगे। अभी का नज़ारा देखिए दोस्तों, मैं मॉर्निंग से शुरू कर रहा हूँ ब्लॉग को, बट लुक देखिए, नज़ारा देखिए, पूरा अंधेरा ही दिख रहा है। तो आज तगड़ा बारिश होगा ऐसे मैसेज आ रहा है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। ओडिशा गवर्नमेंट भी SMS भेज रहा है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी SMS भेज रहा है। हम लोग ऐसे जगह में है, ओडिशा का भी नेटवर्क मिलता है और वेस्ट बंगाल का भी नेटवर्क मिलता है, तो दोनों साइड से ही हम लोग को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आज आप लोग थोड़ा सावधान के साथ रहिए घर पर। आज 80-100 किलोमीटर पर आवर स्पीड पर पवन के साथ बारिश होगा, पूरा बादल बादल सा किया है, पूरा बारिश होगा दोस्तों, मैं कंफर्म कर लिया हूँ। सब लोग ही सावधान हो गए हैं, डेंजर है आज, और थोड़ा बहुत बारिश भी हो रहा है, बहुत ही थिन, शायद कैमरे में नहीं दिख रहा है, छोटा छोटा बारिश गिर रहा है। नहीं पापा, हाँ हाँ, हाँ। आज अभी कहाँ पर जाओगे आप? पंचायत। पंचायत किस लिए जाओगे? पंचायत सब लोग हमारा जाबो। सब लोग? सब लोग। क्यों? सेखने हमारा के रखते हो पुलिस है ऐसे। पुलिस नहीं, पुलिस नहीं, पुलिस पुलिस लेकर जाएंगे? जाएंगे। क्यों लेकर जाएंगे? लेंगे माने जो जोर ये होबे। क्या होगे? बता सब। पापा एकदम देसी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। पापा बोल रहे हैं कि हम लोग पंचायत जाएंगे, पुलिस आएंगे, पुलिस लेकर जाएंगे, तगड़ा पवन के साथ बारिश होगा ना, तो उधर हम लोग लोगों को लेकर के सेफ में रखेंगे। नहीं, इसने बोल रहा था लेकर जाएंगे पुलिस में। पुलिस 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 बोल रहे थे। हमारा तो बिल्डिंग फिल्डिंग घर नहीं है दोस्तों, कुटा का घर है, गिरने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहेगा, तो फिर भी हम लोग इधर ही रहने के लिए कोशिश करेंगे। मारेंगे तो घर में ही मारेंगे, इज्जत से मारेंगे। आपका लाइफ में सबसे भयानक पवन के साथ बारिश कब हुआ था क्या आपको पता है? आपका लाइफ में हुआ है ऐसे? हाँ हुआ है। कब हुआ था? 1990। नहीं, आप गलत बोल रहे हो, 1999 में हुआ था, 1990 में नहीं हुआ था। तब मैं इस दुनिया में नहीं था, मैं अंडर प्रोसेस में था, मेरा मेकिंग चालू था। मेरा बर्थडे को मैं देख करके मैं गेस कर रहा हूँ कि तब मेरा मेकिंग चालू था, और उसका नाम था बात्या। उसके बाद भी बहुत बार हुआ है, नहीं पापा हनी मानी क्या क्या बोलते हो, लेकिन वो सब उतना डेंजर नहीं हुआ है। बोल रहा हूँ आज एक बकरा और नहीं तो एक दो मुर्गी मार करके खाएंगे, खाएंगे मारने से पहले पहले आराम से पेट भर के मारेंगे ना, एंजॉय करके मारेंगे। और हमारे पास क्या है खाने के लिए, चीज ही है या क्या बोल रहे हो? नहीं यार, मैं मजाक कर रहा हूँ थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ, ऐसा करना नहीं चाहिए एक्चुअल में। ऐसे ही 2012 नाम का एक मूवी आया था, 2012 मूवी एक आया था, शायद आप लोग भी देखे होंगे। वो मूवी में दर्शाए थे कि लोग सब कैसे मारा जाएंगे, तो वो मूवी को देख करके ना हमारा इस एरिया के लोग सब बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमारा एरिया के नहीं, पूरा इंडिया वाले, नहीं इंडिया पापा, पूरा वर्ल्ड वाले शायद। तो कुछ लोग ना घर के मुर्गी बकरा ऐसे जितने भी जानवर थे, एनिमल थे, पाल करके रखे थे, वो सबको मार कर खाए। मैं ऐसे ही मजाक मजाक में बोल दिया मार कर खाएंगे, लेकिन हम लोग नहीं मारेंगे। मुझे पता नहीं था जीजाजी इतना चराक है। जीजाजी मुझे बोला कि मैं एक जगह में मशरूम देखा हूँ, और चलो कुढ़ा कर लाएंगे और बेचेंगे, 50-50 हम लोग पैसे डिवाइड करेंगे। बट आने के बाद मुझे बोल रहा है कि मैं ऐसे ही बोल रहा था, आपको अगर ऐसे ही ढूंढने के लिए बोलूँगा तो आप नहीं आओगे, तो इसी वजह से तुझे मैं चुतिया बना दिया। ट्यूबरक्लोसिस डिजीज के कारण जीजाजी को कहीं पर काम करने के लिए नहीं बुलाते हैं। जीजाजी हमारा एरिया में आया तो आकर के इधर उधर से छचू कूढ़ा करके इंस्टेंट पैसे कमाया, तो जीजाजी थोड़ा लालची हो गए। मेरे हिसाब से मैं ऐसा सोच रहा हूँ, जीजाजी का पैसे कमाने का तरीका एक ही है, वो है कहीं पर मजदूरी काम करो और पैसे कमाओ। बट वो सिस्टम उसका बंद हो गया, तो अभी ये सिस्टम वो अपना लिया है। अभी भोर सुबह सुबह कुछ कूढ़ाया था, बट घर वाले उसको मना किए, बोले कि मत बेचो, हम घर में खाएंगे। तो सुबह का सब्जी बनाए हैं, और अभी जितना भी कूढ़ाएगा वो सब बेचेगा। और मैं भी लालची के कारण फंस गया हूँ। मैंने सोचा कि चलो फोकड़ में मिल रहा है 50% शेयर, जीजाजी के ही पर देखा है, तो चलो थोड़ा बहुत साथ देंगे, कुछ पैसे मुझे मिल जाएगा। आ गया तो इधर मुझे पता चला कि नहीं, मुझे ही चुतिया बना रहा है। बोल तो अभी मैं भैया और भाभी के साथ जा रहा हूँ हमारा सिटी बारीपदा सिटी। बच्चे का तबीयत थोड़ा खराब है, बस उसको ही ट्रीटमेंट करने के लिए लेकर जा रहे थे भैया और भाभी, और मैं भी बहुत दिन पहले
पहले से प्लानिंग कर रहा था कि कार एक दिन जाऊंगा बारीपदा सिटी शॉपिंग करने के लिए, तो आज जो मौका मिला तो इनके साथ ही मैं जा रहा हूँ। मैं थोड़ा बहुत दो दिन कपड़ा शॉपिंग करूँगा और मेरा कुछ काम नहीं है, और इनका काम है बच्चे को ट्रीटमेंट करेंगे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेकर जा रहे हैं। ऐसे तो हमारा एरिया में ढेर सारे डॉक्टर के पास दिखाए हैं बट ठीक नहीं हो रहा है दोस्तों, डेली डेली ही तबीयत खराब हो रहा है, तो आज पूरा चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेकर जा रहे हैं। तो फाइनल हम लोग बारीपदा सिटी पहुंच गए हैं, और पहुंचते ही भाई और भाभी मेडिकल बच्चे को लेकर के गए हैं, और एक्चुअल में हम आए हैं श्रीराम मेडिकल बारीपदा सिटी का। दोस्तों ये मेडिकल में कैसे ट्रीटमेंट करते हो उसके बारे में तो मुझे पता नहीं, कभी भी पहले से नहीं आया हूँ। भाई और भाभी पहले से आए हैं शायद, इसी वजह से इधर ही चूज किए हैं, नहीं तो ऐसे मेडिकल तो बहुत सारा है। चलिए जैसे भी है मुझे भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, इन फ्यूचर मेरा काम में भी आ सकता है। जब नहीं दोस्तों उतना दूर तक हम लोग बात नहीं करेंगे, ये फ्यूचर का बात है। भाभी को एडमिशन कर दिया है दोस्तों, लेकिन इसका सीरियल बहुत ही पीछे है, 50 के बाद इसके सीरियल आ रहा है। तो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि भाभी को इधर ही छोड़ कर जाएंगे शॉपिंग करने के लिए मेरे लिए, और इधर हम लोग ख़त्म करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, हम आज पूरा दिन इधर ही बिताएंगे। बहुत ही गर्म लग रहा है, इसके बॉडी बहुत ही गर्म हो गए हैं। चलो क्या बोल रही हो भाभी, पढ़ी लिखी हो? इतना हैंडल नहीं कर पाओगे। पहुंच गए हैं शॉपिंग मॉल, बहुत ही ज़्यादा टाउन में भाई चलाने के लिए डर लग रहा है दोस्तों, मैं थोड़ा बहुत चला है यार, बॉडी पूरा कांप रहा है। भैया उधर बैग रखने के लिए दे रहे हैं, मिरर में भी दिख रहा है कि मैं कांप रहा हूँ। ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं करूँगा, दो पेंट शॉपिंग करूँगा और कुछ सस्ते वाला बनियन डेली यूज के लिए। दोस्तों डेली यूज के लिए पेंट भी नहीं है और बनियन भी नहीं है, मैं तो टी शर्ट सेक्शन में आ गया हूँ। पापा के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया है, लेकिन सूट नहीं करेगा, पापा ज़्यादा ही एज हो गए हैं ना, और थोड़ा प्लेन चाहिए, इतना स्टाइलिश नहीं चाहिए पापा के लिए। आज तो लेकर नहीं जा रहा हूँ बट देख रहा हूँ, फिर भी दो बनियन में चूज कर लिया, एक जींस का और एक ऐसे नॉर्मल स्मूथ कपड़ा का, लेकिन थोड़ा बड़ा होगा जैसे मुझे लग रहा है, थोड़ा ट्राई करके ही देखूँगा। ये जींस वाला थोड़ा महंगा है और ये स्मूथ कपड़ा वाला ये थोड़ा सस्ता है, सस्ता वाला ही लेने के लिए मैं सोच रहा हूँ, बट पसंद तो आ रहा है महंगा वाला में। चलिए और थोड़ा चेक कर लेते हैं, मेरा हेल्थ रहता तो मैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया बनियन फुल शर्ट फुल बनियन खरीदता, लेकिन मेरा हेल्थ ही नहीं है, देख करके पछता रहा हूँ। तगड़ा लग रहा है, पीछे साइड का ही देख नहीं पा रहा हूँ। चलो वेल तो मैं सिटी से वापस घर लौट कर आया, और पापा भी अभी अभी बकरी चरा करके वापस घर लौट कर आए हैं, और आज भी मशरूम लेकर आए हैं। नहीं पापा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड में है पापा, पापा जब भी लेकर आते हैं उसी दिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड में रहते हैं, क्योंकि मैं डेली डेली ही पूछता हूँ कि पापा आज आप लोगों को मिला था या नहीं मिला था फॉरेस्ट मशरूम, पापा डेली डेली ही बोलते हैं नहीं, बट अड़ोस पड़ोस उसके साथ बकरी चराने के लिए जाते हैं उन लोग लेकर आते हैं, तो मैं थोड़ा बोल देता हूँ कि उन लोग को मिल रहा है और आपको क्यों नहीं मिल रहा है, तो पापा को तब शायद दुख लगता है, और जब मिलता है तो बहुत ही एक्साइटेड होकर के आते हैं। हाँ, सकाल वाला छोट में लिया से बकरी चराने आ लिए पोगा छोटे पोरक छोटे आमी लिया। चलो चलो एक ही लैंग्वेज में बोलो ना, पापा एकदम मिक्स करके बोल रहे हैं, ओडिया बंगाली हिंदी को मिक्स करके बोल रहे हैं। दोस्तों पापा का बोलना है कि सुबह अगर हम लोग जाते तो बहुत सारा लेकर आते और हम लोग बेच पाते, थोड़ा अच्छा मशरूम मिलता, ये सब फूटा हुआ है दोस्तों, थोड़ा एक्सपायरी वाला माल है नहीं पा। और ना भाला माल। हाँ भाला तो है, फिर भी ये सब छोटू को पसंद नहीं करते हैं लोग, ये फूट गया है ना। हाँ। जो नहीं फूटा हुआ रहता है वो सब छोटू को ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये दूसरा मशरूम है दोस्तों, ये क्या मशरूम है आपका? साल पोगा। क्या? साल पोगा। आप अभी अभी बना करके बोल रहे हो या सच में बोलते हैं साल पोगा छतु? हाँ साल पोगा छतु, मुझे डाउट लग रहा है। हाँ? साल पोगा बोलते हैं। साल पोगा जिज्ञासा करोगे? हाँ हाँ, पापा बोल रहे हैं कि पूछो किसी दूसरे को पूछो, साल पोगा ही बोलते हैं। एक्चुअल में दोस्तों ये सूखा हुआ ऊँट से निकलता है ये मशरूम, नहीं पा। हाँ। ये मशरूम भी बहुत ही बढ़िया लगता है, बट ये बुढ़ा हो गया पा। हाँ। स्ट्रॉन्ग हो गया, बुढ़ा हो गया। फूफो के फूफो, फूफो जी से फोपा दी ताले
बुआ को बुआ बुआ बोलटे जोन गिला तुम्हार पसंद ना हो सेला मां के दिए दीबी। हां बुआ को देंगे। बुआ बोल रहे थे कि आपको अगर पसंद नहीं आएगा तो मुझे दे देना। और एक बहुत ही बड़ा बैड न्यूज है दोस्तों, हमारा 5 बकरी बच्चे थे बट आज एक सुबह सुबह ही मर गया। चलो चलो लेकर आओ चलो। अभी टोटल में 4 बच्चे हैं दोस्तों, 4 बच्चे हैं, एक मर गया। बहुत ही ज़्यादा दुख लग रहा है, पापा का ही मर गया। पोपी दो पोपी 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 दो पोपी दो पोपी दो पोपी दो सवाल नहीं पा रहा है दोस्तों। देखिए पोपी दो पोपी पोपी बस। और एक बार दो पोपी 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 दो पोपी पीठ में दे रहा है पोपी। हे गोल्लू गोल्लू चलो 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 भाग रहे नहीं। अभी मौसम ऐसे ही किया ना, खेलने का टाइम है अभी। चलो पपी दो पपी 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 दो पपी पपी वेरी गुड। और एक बार दो नाक में, दो नाक में, पूरा साफ सुथरा नाक है, साफ सुथरा नाक है, नाक में दो। इधर बस इस सामने पूरा नाक में, नाक में दो पपी। दो दो वेरी गुड वेरी गुड। बस 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 छोड़ दो अभी खेलेंगे, छोड़ दो छोड़ दो अभी खेलेंगे, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अभी मैं ये बारिश में भीगते हुए जा रहा हूँ फूड लाने के लिए। फूड लाऊंगा और साथ में और एक गांव जाऊंगा, उस गांव में जितने भी लोग हैं वो सब लोगों को एक स्कूल में शिफ्ट करेंगे दोस्तों। जिन लोगों का मिट्टी का घर है उन लोग को ही हम लोग शिफ्ट करेंगे स्कूल में, और जिन लोगों का बिल्डिंग घर है उन लोग को हम लोग शिफ्ट नहीं करेंगे, ये गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है। भैया के साथ जा रहा हूँ दोस्तों, भैया वार्ड मेम्बर है, मेरा उसमें रोल नहीं है, सिर्फ साथ दे रहा हूँ भैया को। और हमारा गांव वाले को भी हम लोग शिफ्ट कर लिए हैं दोस्तों। हमारा गांव से टोटल में 60-70 लोग निकले हैं, स्कूल घर में शिफ्ट हुए हैं। दूसरा गांव में भी वैसे ही निकलेंगे, 60-70 के आसपास मुझे ऐसा लग रहा है। जल्दी जाओ स्कूल घर। हाँ जल्दी जाओ। वेल तो फाइनल हम लोग दूसरा गांव पहुंच गए हैं, और इधर पहुंचने के बाद जितने भी गांव के लोग थे सब लोगों को हम लोग स्कूल घर में शिफ्ट कर लिए हैं। और हम लोग जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना लोग ही आए हैं, 70-80 हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। और मैं ये गांव में पूरा घूम लिया, ऑब्जर्व किया कि दोस्तों इस गाँव में भी 100% से 20% घर बिल्डिंग है और 80% मिट्टी का घर है, तो 80% से ही लोग सब आए हैं। और फुल लोग नहीं आए हैं दोस्तों अभी तक, पूरा सारे लोग नहीं आए हैं, खूब काम ही आए हैं। अभी तक सीन क्रिएट नहीं हुआ है ना, अगर सीन क्रिएट हो जाएगा तो अपने आप आ जाएंगे, बुलाने के लिए ज़रूरत नहीं होगा। चलिए अभी इधर फोटो एक लेंगे, फोटो दिखाकर ही फूड मिलेगा दोस्तों। चलिए पूरा गाँव वाले आ गए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बुजुर्ग भी सब एज के आए हैं। लाइन हो जाओ। ओ भाई यार सब लोगों को मैं कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा आपसे शॉर्ट करना पड़ेगा। वाह स्माइल सब प्लेस मिल गया है, लेकिन थोड़ा मुझे डर लग रहा है दोस्तों, ये स्कूल घर भी थोड़ा टूटा फूटा है। और दोस्तों एक मजे की बात है, इधर कुछ लोग आए हैं सिर्फ खाने के लिए, वो जो पूछ रहे हैं क्या क्या खाने को मिलेगा। यार इधर जान बचाने के लिए गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है, और इन लोग सोच रहे हैं कि खाने के लिए पहले जान तो बचाओ, सब कुछ गवर्नमेंट दे रहा है, राशन से लेकर सब्जी तक। अभी मैं जीपी स्कूल पहुँच गया। ओ भाई इधर देखिए मैट फेट सब कुछ लेकर आ गए, रात को भी इधर ही बिताएंगे, रात तेरा वीडियो रही हो ना है। चलो बढ़िया, इधर के लोग सब बहुत ही बढ़िया हैं दोस्तों, खुद का जान बचाने के लिए मैट फेट कपड़ा पपड़ा सब कुछ लेकर आ गए हैं, और कुछ लोग खाने के लिए भी लेकर आए हैं। इधर तो काट देंगे काट नहीं, कुछ भरोसा नहीं बट देंगे, लेकिन हमारा उधर के लोग सबको मुझे पसंद नहीं आ रहा है यार। आए फोटो खींचे उसके बाद लौट कर चले गए, सिर्फ खाने के लिए आए। और कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं कि भैया क्या क्या खाने को मिलेगा, सुन करके मुझे हंसी आ रहा था तब। चलो मावसी खाई छो, तो खाई छो हाँ, कतोड़ा खाई छो, हाँ जी कतोड़ा खाई छो, दी सकाळे ना दीपोरे खाई छो,
हाँ बस टाइम टू टाइम खाने के लिए मिल रहा है, दो तीन लोगों को मैंने पूछा है, टाइम टू टाइम ही खाए हैं फूड। साल में आप लोगों को तीन स्कूल दिखाया और इतना सारा डिश आया है, और पोटैटो देखिए ना, देख करके मुझे हंसी आ रहा है। देखिए और ये गिलास है और ये सब शायद राशन है, ये सब मसाला फसला है। इतना में कैसे सब लोग को खाने के लिए देंगे? चलो अभी से ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, जब लोगों को देंगे और सफिशेंट अगर नहीं देंगे तो तब हम लोग मुँह करेंगे ही करेंगे। और इधर कुकिंग प्रोसेस चालू कर दी। मैडम टिके शीघ्र शीघ्र करिवे, लोक माने बहुत कंप्लेन कर सका भूकरे अच्छा है, माने घरे स्कूल घर को आसते ना यही सेना ना कि आम आम आड़े ना आम आम आड़े आम स्कूल हाँ कंप्लेन किस कहना कौन सका आम स्कूल घर को जाइए ना घर रंधावाड़ा करना ये खाई आनी दौंस यार गांव के लोग सब हैरान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे, बोल रहे हैं कि ना घर में कुकिंग करने के लिए दे रहे हैं ना इधर खाने के लिए दे रहे हैं, बस स्कूल घर में रहने के लिए बोल रहे हैं। चलो फास्ट ही करेंगे ऐसे बोल रहे हैं, 5-6 बजे पहले ही कंप्लीट करेंगे और खाने के लिए प्रोवाइड करेंगे। भाई गैस में आग लग गया, गैस में आग लग गया, गैस में आग लग गया, गैस में आग लग गया भाई। चलो 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 कंट्रोल कर दिया हाँ रिकॉर्डिंग चली थी। चलो किसी भी तरह कंट्रोल कर लिया है दोस्तों, आग लगा था या क्या हुआ था मुझे तो दिखाई नहीं दिया, बट साउंड कर रहा था यार, मोबाइल शॉट डाउन हो गया था इसी वजह से बहुत सारा क्लिप में शॉट नहीं कर पाया। हम लोग गवर्नमेंट मिल खाए और कहाँ पर रह रहे हैं। तो चलो आज का छोटा सा ब्लॉग इतने में एंड करते हैं, आप लोग बिंदास रहो, एंजॉय करो और यही दुआ होगा उनको कि आप सबका लिप अच्छे से बीते। तो बाय बाय।